जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा आज कुछ बात की जाए इन दिनों में कि सीए फाइनल के स्टूडेंट्स क्या करें इस कोरोना वायरस के अंदर। तो कुछ बातें थी जो आप लोगों के सामने रखनी थी, क्योंकि अभी मार्च का मंथ अबाउट टू एंड है, फिर आप लोगों के पास दो महीने होंगे, दैट इज़ अप्रैल एंड मई। तो क्यों ना हम इसको आज प्लान करें कि कैसे हम इस पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि मोस्ट ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन सेटअप की तरफ आए, मगर टीचर से मेरा अब तक कांटेक्ट हुआ है, वो यही फील कर रहे हैं कि फिज़िकल मोड पर ही वो जाना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से जो सजेशंस हैं मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आइए इस पर बात करते हैं। इस डिस्कशन को हमने दो हिस्सों में तोड़ा है, एक वो स्टूडेंट्स हैं बैच में है, यानी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से क्लास ले रहे हैं, जून में उनकी पहली बार अटेम्प्ट होगी या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पहली बार अटेम्प्ट होगी, वो तो यकीनन पहले से क्लासेस ले रहे होंगे और उनका कोर्स अब तक तकरीबन कोई 60% या 50% हो गया होगा। तो उनको चाहिए, जो मैं ये समझता हूँ कि 50% जो कोर्स हो गया, आप वेट ना करेंगे क्लासेस स्टार्ट होगी, एक बार कोर्स पूरा हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे छुट्टियों में, उनको चाहिए कि वो कंप्लीट अभी से जितना हो गया उसको कंप्लीट करें। और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिसमें उनको खुद भी वो खुद देख सकते होंगे बुक से, या कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको टीचर्स क्लासरूम में प्रेफर नहीं करते समझाना, और वो आपको खुद ही करने होते हैं, तो उनको आप देख लें। इससे आपका टाइम, अभी जो फ्री टाइम है आप घर पर हैं, वो भी मतलब यूज़ हो जाएगा, और क्या कहते हैं आपका ये कोर्स कंप्लीशन भी वक्त पे हो जाएगा। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिन पर ज़्यादा मेरा फोकस है अभी, वो हैं रिफ्रेशर के स्टूडेंट्स। तो एक मेजॉरिटी जो सीए में होती है नॉर्मली वो रिफ्रेशर के स्टूडेंट्स की भी होती है, जिनका पेपर एक बार रह गया होता है वो रिफ्रेशर क्लासेस ले रहे होते हैं या घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। उनको चाहिए कि भाई आप ये देखें कि एक बार पेपर रुक गया, यानी एक बार आपने तैयारी करके पेपर दे दिया, इसका मतलब आपको 100 में से 30% 40% तो आता होगा। तो 30% 40% जब आता होगा तभी आपके 35-40 मार्क्स आए होंगे। लिहाजा आपको चाहिए कि जो टॉपिक्स आप क्लास में ले रहे हो, क्लासेस तो अभी हो नहीं रही, तो आपको चाहिए कि जो टॉपिक क्लास में अब तक टीचर ने करवा दिए हैं वो आप क्या कहते हैं उसको कंप्लीट कर लें, उसको बिल्कुल पक्का कर लें, उसके पास पेपर्स देख लें, उससे रेलेवेंट एरियाज़ को कंफर्म कर लें और लॉक करके रख दें। क्योंकि अब जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो बहुत सारी होंगी, बहुत ज़्यादा रैपिड पेस पे होंगी, तो फिर अगर इस टाइम को आपने यूज़ ना किया तो अगला वाला टाइम भी आपसे हैंडल नहीं होगा। कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जिनको आप समझते होंगे कि यार पिछले अटेम्प्ट में मुझसे अच्छी तैयारी हो गई थी, उसको भी पक्का कर लीजिए। तो एक छोटी सी सजेशन थी कि इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी बहुत सारी फर्म्स जा चुकी हैं, तो यकीनन वर्क फ्रॉम होम में ऐसा ही होता है कि हम फुल टाइम घर पे काम तो नहीं कर रहे होते, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मोड मिल जाता है। तो इस टाइम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, और जब क्लासेस स्टार्ट हो तो उस वक्त ऐसा ना हो कि आपके हाथ से चीज़ें संभल ना रही हो, क्योंकि यू नेवर नो कि पेपर एक्सटेंड होंगे कि नहीं, और अभी ऐसी कोई टाइमलाइन या ऐसी कोई बात सामने भी नहीं आ रही। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पर्सनल सजेशन है कि काइंडली इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। अब एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से FAFR की। FAFR में जिसने पिछले अटेम्प्ट में दिया होगा और उसका पेपर रुक गया होगा, तो यकीनन कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो छोटे टॉपिक्स होंगे और वो खुद से भी आप पढ़ सकते हैं, या लेट से अगर अभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो मे बी एग्जाम्पल के तौर पे टीचर ने लीज़ का एरिया करवा दिया, तो जब टीचर ने लीज़ का एरिया करवा दिया तो आप उसको अभी से लॉक करके रख लें। और कुछ एरियाज़ होंगे जैसे कंसोलिडेशन, जिसमें हमारी ग्रिप अच्छी होती है, तो उसको भी अभी से करके रख लें, और कुछ क्वेश्चन साइड पे कर दें कि ये मैं एग्ज़ाम के दिनों में देखूंगा। और फिर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, और यकीनन टीचर को भी बहुत रैपिड पेस पे कोर्स ख़त्म कराना होगा, तो उस वक्त आप वो टॉपिक्स कर सकेंगे। ऐसा ना हो ये वक्त हमारा वेस्ट हो जाए। ये एक छोटी सी वीडियो थी, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमें ये देखना चाहिए कि जब हम घर पे हैं और मतलब क्वारंटाइन सिचुएशन में हैं तो हमें क्या करना चाहिए अदर देन सीए स्टूडेंट्स। एक जनरल वीडियो होगी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। किसी को पर्सनली किसी पेपर पर कोई हेल्प चाहिए, कोई डिस्कशन करनी हो, तो आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।